तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं रोशन राज HD चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यहाँ पर UTI से अगर पैन कार्ड बनाते हैं तो UTI का अगर कूपन परचेज करना होता है तभी आप इसमें पैन कार्ड बना पाते हैं। आपके जो रिटेलर ID होता है उस ID में जितने आपके पास पैन कूपन होगा उतने ही आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैन कार्ड का कूपन ऑनलाइन खरीदना पड़ता है। तो ऑनलाइन आपको इसमें मैं बताऊँगा कि आपको कूपन कैसे परचेज करना है और कितना रुपया लगेगा, तो उसमें मैं सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मन में किसी भी तरह अगर सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से इस वाले वेबसाइट पर आप चले आएंगे। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको कूपन खरीदने के लिए यहां पर दिया गया ढेर सारा ऑप्शन। तो इसमें आपको यहाँ पर बाय कूपन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फॉर रिटेलर, इसके बाद फॉर एडमिन, तो आपको रिटेलर को आना है, इस पर क्लिक करना है रिटेलर वाले पर। और यहाँ पर आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालना है, जो आपका रिटेलर आईडी है, जो पैन कार्ड जिससे आप बनाते हैं उसका आईडी यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देखेंगे फिजिकल कूपन और यहाँ पर ई कूपन है। यानी फिजिकल कूपन कहने का मतलब कि आपको एक फिजिकल कूपन अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट 101 रुपये कटेगा, और अगर ई कूपन खरीदते हैं तो यहाँ पर लगभग 75-76 रुपये पेमेंट कटेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिजिकल कूपन खरीदने से फ़ायदा ये हो जाएगा, फिजिकल कूपन अगर खरीदते हैं तो आपको घर पर पैन कार्ड भेजा जाएगा। अगर ई कूपन अगर आप खरीदते हैं तो आपको घर पर पैन नहीं भेजा जाएगा, वो केवल आपको मेल पर भेज दिया जाएगा। तो आपको सबसे बेहतर रहेगा मेरे अनुसार तो आप यहाँ पर फिजिकल कूपन ही खरीदें। तो हमेशा आप फिजिकल कूपन पर यहाँ पर रहने दें। इसके बाद यहाँ पर जितना आपको कूपन खरीदना है उतना यहाँ पर नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 4 कूपन खरीदने हैं, यहाँ पर 4 टाइप करेंगे। अगर आपको 1 खरीदना है तो 1 टाइप करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर 1 टाइप कर लेता हूँ, मुझे 1 खरीदना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, जो आपको यहाँ पर रिटेलर आईडी जो बनाया गया है उस रिटेलर आईडी में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना डिटेल को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर रिटेलर आईडी जैसे ही डालूंगा, इसके बाद यहाँ पर कहीं एक जगह टैप करूँगा तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नाम शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कूपन नंबर आपको डाल लेना है, कितना कूपन खरीदना है। जैसे मुझे 1 खरीदना है, यहाँ पर 1 टाइप किया हूँ। आपको 2 खरीदना हो तो इस तरह से 2 टाइप करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका इस आईडी में दिया गया उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से आपको ओपन होगा, यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप खुद से कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर QR कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर QR कोड स्कैन नहीं करना चाहते हैं, आप पेफोन पर अगर डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, UPI के सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको UPI नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेना है, जो आपका UPI नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पर पे पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना UPI नंबर डालेंगे तो यहाँ पर कहीं UPI नंबर डालने के बाद यहाँ पर पे पर क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पर पे पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर पे का सेक्शन चला जाएगा, वहाँ पर रिक्वेस्ट चलाएगा। आप यहाँ पर अपना UPI नंबर डालेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट को फाइनल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पे इस तरह से कर लेंगे। जैसे मेरे यहाँ पर पेमेंट सक्सेस वहाँ पर हो चुका फोन वे में, और यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर रिसीविंग प्राप्त होगा, इसको आप प्रिंट कर लेना। यहाँ से आप प्रिंट करके सेव करके रखे हुए रहेंगे। मान लीजिए अगर आपका कूपन नहीं आता है तो इस वाला सेव करके रखे रहेंगे, आप हमारे पास सेंड कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कूपन भेज दिया जाएगा। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कूपन नहीं जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको कूपन तुरंत चला जाता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश लेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपका कूपन वहाँ पर अकाउंट में चला गया होगा। मैं आपको कूपन यहाँ पर शो कर देता हूँ कि आपको कूपन कैसे चेक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। आईडी लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर कूपन शो कर गया है, जो कि मैंने अभी तुरंत यहाँ पर कूपन खरीदा और यहाँ पर तुरंत मेरा कूपन आ चुका है। तो अब यहाँ से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। तो अगर कूपन खरीदने में कोई भी समस्या आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और या तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आशा करता है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों